अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है, कल रात अब्दुल्ला कटक कार एक्सीडेंट में वफात पा चुके हैं। कुछ टिक टॉकर्स ने उनके बारे में अफसोस का इजहार करते हुए इंस्टा पर स्टोरीज लगाई है। जैसा कि रुमै साहा का कहना है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी तो हमने बहुत से प्लान किए थे, हमने व्लॉगिंग भी इकट्ठे करनी थी। अल्लाह ताला क्यों। रबी कहा का कहना है, यूट्यूबर अब्दुल्ला कटक पास्ट अवे इन कार एक्सीडेंट। बसित रिंद का कहना है, इन्ना इलाही व इन्ना इलाही राजियों, ये अभी बहुत जवान थे, मेरे अल्लाह इनके घर वालों को सब्र अता फरमा। कंवल का कहना है, अल्लाह रहम करे और सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। बलाच मसूद का कहना है, इन्ना इलाही व इन्ना इलाही राजियों, ये भी बहुत जवान थे, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लरेब खालिद का कहना है, अल्लाह मगफिरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे। जरना फातिमा का कहना है, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, प्लीज बी काइंड टू एवरीवन। जैजी का कहना है, हमें अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अब्दुल्ला खट्टर की ज़िंदगी हमारे लिए बड़ा सबक है। अरीशे का कहना है, यूट्यूबर अब्दुल्ला खट्टर पास्ट अवे इन कार एक्सीडेंट। दुआ फातिमा का कहना है, हमारे प्यारे भाई, हमारे दोस्त आज हमारे बीच नहीं रहे, आज हमारे लिए बहुत ही गम का दिन है, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे, आमीन, और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन।